नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। जियो का उपभोक्ताओं को नववर्ष का तोहफा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने गुरुवार को समूह की दूर संचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को नए साल का अग्रिम उपहार देते हुए उनके लिए सभी सेवाएं 31 मार्च 2017 तक निशुल्क करने की घोषणा की। पहले ये सेवाएं सभी उपभोक्ताओं के लिए इस साल 31 दिसंबर तक निशुल्क थी। अंबानी ने कहा कि 5 सितम्बर को औपचारिक लॉन्चिंग के बाद से जियो के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गई है। औसतन रोजाना 6 लाख ग्राहक जियो से जुड़ रहे हैं, जो फेसबुक, स्काइप या व्हाट्सएप से भी तेज गति है। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर से सभी नए एवं मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए सभी सेवाएं 31 मार्च 2017 तक निशुल्क होंगी। अंबानी ने कहा कि ई-केवाईसी की मदद से सिर्फ 5 मिनट में सिम एक्टिवेट हो रही है। देश भर में 2 लाख आउटलेटों पर ई-केवाईसी सुविधा शुरू की गई है तथा मार्च 2017 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 4 लाख करने की योजना है। उन्होंने कहा कि किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता के उपभोक्ता अपना नंबर जियो पर पोर्ट करा सकते हैं। जियो ने सिम की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी है। 31 दिसंबर तक इस सुविधा का विस्तार देश के 100 प्रमुख शहरों तक करने की योजना है। अंबानी ने कहा कि जियो के ग्राहक अन्य सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं की तुलना में 25 गुना ज्यादा डाटा खपत कर रहे हैं। जियो के 80% उपभोक्ता रोजाना 1 GB डाटा खपत कर रहे हैं, जबकि शेष 20% इससे बहुत ज्यादा डाटा खपत कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि जियो हमेशा उपभोक्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी। हालांकि जियो ने अपने ग्राहकों के लिए रोजाना हाई स्पीड निःशुल्क डाटा की सीमा 1 GB तय कर दी है। अंबानी ने बताया कि जियो के 80% उपभोक्ता एक दिन में 1 GB तक डाटा खपत कर रहे हैं, जबकि शेष 20% असामान्य रूप से अधिक डाटा खपत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी निःशुल्क डाटा मिलेगा, लेकिन इसकी स्पीड 128 KBPS रह जाएगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मुकेश अंबानी ने कहा, नोटबंदी का फैसला ऐतिहासिक, आम लोग होंगे सर्वाधिक लाभान्वित। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिए गंगा को प्रदूषित करने वाले 56 उद्योगों को बंद करने के निर्देश। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ। ममता बनर्जी विवाद के बाद इंडिगो ने कहा, विमान में ईंधन कम नहीं था। नोटबंदी से प्रतिदिन 52 करोड़ रुपए का टोल संग्रहण रुका। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।